नमस्ते जी, आपका फिर से स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में जितनी भी आज परेशानियां हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी बाधाएं हैं, उनका मूल कारण क्या है? जब मैं बात करता हूँ मूल कारण पर, तो आप ऐसा समझिए कि अगर हमारी 1000 तरह की अलग अलग परेशानियां हैं तो उनका एक मूल कारण होगा। तो अगर हम उन सारे कारणों का एक निचोड़ निकालें तो वह एक कारण क्या होगा, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। ये कोई पॉल्यूशन, कोई ब्यूरोक्रेसी या भ्रष्टाचार या ये वो लाइफस्टाइल, ये सब नहीं है। इनका भी जो एक मूल कारण है वह हमारी सोच। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है सन 1947 से लेकर आज तक, जो सबसे अधिक जोर हम किसी चीज़ को बदलने पर दिया गया है तो वह हमारी सोच। मित्रों, सोच जो होती है वह हर चीज़ का मूल आधार होती है। कोई भी एक व्यक्ति है या कोई देश है, उसका जो भी चरित्र है, जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको डिफाइन करती है उसकी सोच, उसका बिलीफ सिस्टम। ये जो बिलीफ सिस्टम होता है ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सोया रहता है, और जब घटना या परिस्थिति आती है तो ये हमारे कॉन्शियस माइंड को सिग्नल देता है और उसके आधार पर हम लोग रिएक्ट करते हैं या अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो ऐसा क्या परिवर्तन हो गया कि हम लोग जो विश्व को ज्ञान में और हर फील्ड में लीड करते थे, आज हम सबसे बड़े फॉलोअर बन के रह गए हैं। आज स्वास्थ्य में भी देखा जाए तो हमारे यहाँ पर शतायु होने का वरदान दिया जाता था। कोई भी अगर छोटा अपने बड़े के पैर छूता था तो वो कहता था 100 वर्ष जियो। तो एक साधारण सामान्य जीवन में अपना पूरी तरह स्वस्थ रहते हुए एक पूरी लाइफ को जीना, यह हमारे लिए कोई एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं हुआ करता था। लेकिन वही देश आज हजारों करोड़ों रुपए की सब्सिडी बांट रहा है एलोपैथिक मेडिसिन के ऊपर, ताकि हम लोग स्वस्थ रह सकें। और जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती जा रही है उस हिसाब से देखें तो हमारी ये जो परेशानी है खासकर स्वास्थ्य से संबंधित, ये और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो आइए इसके बारे में देखते हैं कि हमारी सोच में ऐसा क्या परिवर्तन आया और ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि जिसमें कम से कम समय में, कम से कम एफर्ट में हम अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकें। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि भारत का जो मूल धर्म है वह हिंदू धर्म है। अनादिकाल से किसी को ये भी नहीं मालूम कि भारत का इतिहास असल में क्या है, खुद भारतीयों को भी नहीं पता, परंतु ये जब से भी है वह बहुत प्राचीन है। और जब से ये चला आ रहा है उसका जो मूल है वह हमारे वेदों में है। इन वेदों के आधार पर शोध हुआ करते थे, अनुसंधान हुए, और उन अनुसंधानों से हमें परंपराएँ मिली। तो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो इस बात पर ज़्यादा जोर देता है कि हम जो भी करें उसका आउटकम जो है वो हमारे अनुकूल होना चाहिए। बीते 2000 सालों में हमने देखा कि कई तरह के आक्रमणकारी हमारे देशों में आए और अपने साथ जो भी उनका अपना बिलीफ सिस्टम था वे भी लेकर आए, और वे बिलीफ सिस्टम यहाँ पर आकर यहाँ के लोगों में मिक्स हुए और फिर एक तरह से एक हाइब्रिड कल्चर की शुरुआत होने लगी। वो वहाँ तक भी ठीक था क्योंकि कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से वे भी कभी ना कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर वो हमसे प्रभावित रहे थे, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारी और उनसे मिलती भी थी और बहुत सारी नहीं भी मिलती थी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो ड्रेस्टिक चेंज आया वो आया अंग्रेज़ों के आने के साथ। तो 1947 तक भी हमारे देश में जो एक रहन सहन, खान पान, हमारा जो संस्कृति, हमारी सभ्यता थी, उस पर भी लोगों का एक विश्वास था, उनके लाइफस्टाइल पर उसकी एक अमिट छाप थी। लेकिन 1947 के बाद जो परिवर्तन आरंभ हुए, उन्होंने हमारी जो एक बिलीफ सिस्टम, जो हमारा सोचने का तरीका है, उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया, उसको बहुत ज़्यादा चैलेंज किया। और आज स्थिति ये है कि हम भारतीय पूरी तरह रहे नहीं और हम अंग्रेज बनने की कोशिश में अंग्रेज बन भी नहीं पाएंगे। 1947 के बाद से हमारे जो एजुकेशन सिस्टम का पैटर्न बनाया गया वो इस तरह से हुआ कि वह पूरा का पूरा इंग्लिश सेंट्रिक हो गया। आज की डेट में अगर आपको एक अच्छी नौकरी चाहिए तो इंग्लिश बोलना आपके लिए अनिवार्य है, जबकि यही चीज़ हम अगर अन्य देशों में देखें जो हमसे बहुत पीछे हुआ करते थे और आज हमसे कई गुना आगे हैं, उनमें से उदाहरण मैं लूँगा, जैसे चीन है, जापान है, ये दो देश तो ऐसे हैं जो भारत की आज़ादी के समय बहुत ही ज़्यादा पिछड़ चुके थे। इनका माल कोई सा भी देश लेने को तैयार नहीं था,
ये कहीं पर अपना माल एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन आज देखिए वो लोग हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। उसका कारण क्या है? उन लोगों ने अपने बिलीफ सिस्टम के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं होने दी। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि चीन ने अपनी गुलामी के जितने भी प्रतीक थे जो अंग्रेज़ों ने उन पर थोपे थे, उन सभी को 1949 के बाद ध्वस्त कर दिया, ताकि लोगों के मस्तिष्क में ऐसी कोई भी चीज़ ना रहे जो उन्हें घसीट कर वापस मानसिक गुलामी की ओर ले जाए। और यही कारण था चीन में आज भी उनकी जो अपनी भाषा है चाइनीज़, उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। उनके जितने भी राजकीय काम हैं, उनके जो भी आचार विचार हैं, वो सभी अपनी मातृभाषा में होते हैं। सिमिलरली यही चीज़ जापान में भी देखने को मिलती है, ऐसा ही जर्मनी में, ऐसा ही फ्रांस में, ऐसे यूरोप के सभी देशों में इंग्लैंड को छोड़कर अपनी अपनी उनकी भाषाएं हैं। तो ये सारे देश जो हैं अपने आप में पूरे विकसित हैं, भारत से ज़्यादा उनका विदेशों में व्यापार है। लैंग्वेज बेसिकली एक चिन्ह है आपकी मानसिकता का, आपकी सोच का। जब भी किसी देश के अंदर मानसिक रूप से गुलामी आती है तो सबसे पहले लैंग्वेज के थ्रू आती है, वह सबसे पहले भाषा के रूप में आती है। इसका असर आपके खान पान, फिर रहन सहन, आपके सोचने के तरीके पर पड़ता है। तो फिर आप धीरे धीरे जिसकी भी मानसिकता को अपनाते हैं उसी के तरह आप सोचना शुरू कर देते हैं। और आपको ये भी नहीं पता होता कि आप लोग कई बार उन्हीं लोगों द्वारा डायरेक्ट किए जा रहे होते हैं जो आपके लिए पॉलिसी बनाते हैं, जिनको आप फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे साथ भी यही हुआ, और हम लोग जो हमारे देश के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम की बुनियाद और उसका जो स्ट्रक्चर करा गया वो इस तरह से किया गया कि हम लोग हिंदी बोलने में, हिंदी में पढ़ने में अपने आप को हीन समझने लगे। अधिक से अधिक हमारे देश के अंदर अच्छी नौकरियों, अच्छे पदों के लिए इंग्लिश को अनिवार्य कर दिया गया। हम लोग हिंदी में कोई अपना कार्य नहीं कर सकते, हम लोग हिंदी पंचांग पढ़ना नहीं जानते। 12 महीने जो हमारे देश में पंचांग के रूप में प्रचलित थे वे हमें याद नहीं है, उसके अनुसार हम ऋतुओं को नहीं पहचान सकते, उसके अनुसार हम अपना खान पान ठीक नहीं कर सकते। हम बहुत ही लाचार स्थिति में आ गए जो कि हम पहले नहीं थे। मित्रों, इसका असर देखने को ऐसा मिला कि जो हमारा ये सोचने का जो एक ढंग बदला, हम लोग ज़्यादा इंग्लिश में सोचने लगे और ज़्यादा हम जो उससे प्रभावित होने लगे, उसका असर ये हुआ कि हम अपनी मूल जो हमारे वैज्ञानिक तथ्य हुआ करते थे, जो हमारी परंपराओं में शामिल थे, हम उनसे दूर होते चले गए। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, बरसात के दिनों में हमारे घरों में एक प्रथा हो, प्रथा क्या उसको आप कहिए कि एक डेली रूटीन हुआ करता था, जिसमें हर घर में गोबर का एक कंडा जलाया जाता था। अब ये जो था एक तरह से आज की डेट में अगर कोई जलाएगा तो, क्योंकि हम लोग तो पढ़ लिख गए हैं, कॉन्वेंट के पढ़े हैं हम, पब्लिक स्कूल में पढ़े हैं, हमें पढ़ाया जाता है हाइजीन के मायने अलग हैं, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस माहौल में पढ़ा होगा वो कहेगा ये तो गंवारों वाला काम है, इस पर तो रिसर्च नहीं हुई, हम इसको ऐसा क्यों माने। लेकिन होता ये था कि जब इस तरह के जब कंडे आदि जब जलाया करते थे तो उससे जितने भी कीड़े मकोड़े और इन्फेक्शन करने वाले जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते थे वो मर जाते थे। कारण क्या था? उसमें एक फॉर्मेल्डिहाइड नाम की एक गैस होती है गाय के गोबर के गंडों में, जो जलने पर मच्छर और आदि ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये उसको झेल नहीं पाते, तो या तो ये भाग जाते हैं और उसका जो एक असर रहता है कुछ दिनों तक, और तब तक वो प्रवेश नहीं कर पाते। तो यही कारण है कि करोड़ों साल तक तो हमारे देश को यही नहीं पता था कि डेंगू क्या चीज़ होती है। और ये सारी चीज़ें, मतलब जो हाइजीन की जो हमारे अपनी खुद की जो पॉलिसीज थी, हमारे जो अपनी प्रैक्टिसेस थी, जो हमें परंपरा के रूप में मिली थी, ये हमें हमेशा स्वस्थ रखती थी। ये बात ज़रूर है कि उस पर कोई मेडिकल रिसर्च नहीं होती थी, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो आउटकम देने में कहीं पर कमी थी। मित्रों, कोई भी चीज़ होती है अगर आप उसको अपनाते हैं, या मान लीजिए कि कोई भी लाखों करोड़ों रुपए लगा के कोई रिसर्च कर रहा है, तो उसका अंतिम ध्येय जो है वह आउटकम है। वह ये चाहता है कि अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, अगर मैं ये इस पर कोई शोध कर रहा हूँ, तो उससे मुझे ये नतीजा चाहिए, और उस नतीजे को मैं इम्प्लीमेंट करूँ हर जगह पर एक ब्लू प्रिंट की तरह। इसका यही उद्देश्य होता है। कोई भी व्यक्ति ऐसे ही कोई शोध नहीं कर रहा होता। आप किस कहीं भी देखेंगे कोई भी वैज्ञानिक कोई ऐसे ही किसी चूहे बिल्ली को नहीं मार रहा होगा, उसके पीछे कोई ऑब्जेक्टिव जरूर होगा, वह कुछ हासिल करना चाहता है। अब हो क्या रहा है कि हम लोग लाखों करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, फिर भी जो आउटकम हमें चाहिए उसका पूरा नहीं मिल पाता। हम लोग उसके 30% तक आते हैं, फिर उसमें कई जीवों की हत्याएँ होंगी, फिर उसमें कई तरह के हम कार्य करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि अनुसंधान नहीं करने चाहिए, अनुसंधान बहुत ज़रूरी है, कई जगह पर बहुत ज़रूरी होते हैं, करना भी चाहिए, हर चीज़ को वैलिडेट भी करना चाहिए, लेकिन केवल किसी एक चीज़ को या किसी पॉजिटिव आउटकम को ये कहकर नकार देना कि इसके ऊपर सिर्फ रिसर्च नहीं हुआ, ये भी गलत है। अब जो लोग हल्दी का सेवन करते आए हैं, जो लोग गाय के दूध का सेवन करते आए हैं, वे लोग नेचुरल तौर पर बलिष्ठ होते हैं,
गांव में भी आप देखेंगे कितने लोगों को इंजेक्शन्स नहीं लगे होते, फिर भी वो लोग बहुत बलिष्ठ होते हैं। और आपने देखा होगा कि जैसे गांव में हमारी माताएं बहनें आंगन में गाय के गोबर का लेप लगाया करती थी, वो अपने आप में एंटीबैक्टीरियल है। पश्चिमी सभ्यता के अनुकरण में हम लोग इतने अंधे हो गए कि हमारी जो परंपराएं थी उसकी उस पर ईमानदारी से हमने शोध भी नहीं किया। मैं शोध का विरोधी नहीं हूँ, पर शोध होना चाहिए, लेकिन सही कारणों से, सही उद्देश्य से शोध तो अवश्य होना ही चाहिए। शोध नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके पॉजिटिव आउटकम्स को नकार रहे हैं और उस पर शोध ही नहीं कर रहे हैं। एक सिरे से नकार देना इस केवल तरह को कह के कि ये अमुक देश का की परंपरा है और अमुक देश में फॉलो किया जाता है, ये इनको नीचा दिखाया जाए और इनको किसी तरह से इनकी संस्कृति से दूर रखा जाए, तो ये एक ईमानदार सोच नहीं है। इसके पीछे किसी का भी भला नहीं होता। हमारी जो सोच रही है भारतीय परंपरा में वो ये रही है कि आप जब भी किसी कार्य को करें उसका आउटकम आपके लिए बिल्कुल अनुकूल होना चाहिए। हमारे देश में खान पान से लेकर रहन सहन को देख लीजिए। अब देखिए फैशन की बात कर लेते हैं। फैशन में आप देखिए आजकल बहुत टाइट जीन्स, बहुत टाइट कपड़े पहनने का दौर है। ये दौर तो पिछले 20-30 वर्षों से चल रहा है, कुछ ज़्यादा चलन में आ गया है। तो हमारी जो सोच है वो विदेशी सोच की तरह ऐसे हो गई कि चाहे कुछ भी हो दिखने में बढ़िया लगना चाहिए। सिर पर हम तेल लगाना पसंद नहीं करते क्योंकि सिर पे लहराते बाल अच्छे लगते हैं। हमें खान पान में भी हमें फास्ट फूड चाहिए। हम पिज़्ज़ा खाते हैं तो हम बहुत ही एडवांस माने जाते हैं, बहुत बुद्धिजीवी माने जाते हैं। अब वही आदमी अगर रोटी खा रहा होगा, हाथ से चावल खा रहा होगा, तो वो गंवार कहा जाएगा कि वो स्पून से क्यों नहीं खा रहा है। अब आप बताइए मुझे कि ये जो चीज़ें हैं क्या इन पर ईमानदारी से शोध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कि अगर हमारे देश में धोती कुर्ता पहना जा रहा है, ढीले वस्त्र पहने जा रहे हैं, तो क्यों पहने जा रहे थे? उस पर शोध तो होना चाहिए था। शोध का विरोध नहीं है, लेकिन शोध होना तो ईमानदारी से चाहिए और हर चीज़ पर होना चाहिए। जब हर चीज़ पर शोध होगा तभी तो हमें पता चलेगा ना कौन सी चीज़ अपनाने की और कौन सी नहीं है। जब हम खाली एक सिरे पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई शोध करते रहेंगे तो हम हमेशा गलत चीज़ को ही अपनाएंगे, इसके चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो यह चीज़ हमारे साथ नहीं हुई। अब हम लोगों ने, हमारा एजुकेशन सिस्टम और इस चीज़ ने सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया कि अब हमें लगता है जो भी भारतीय परंपरा से आया उसको एकदम नहीं लेना चाहिए भाई, क्योंकि उस पर शोध नहीं हुआ तो उससे हमें दुष्परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, आज जाने या अनजाने में जितने लोग आज एलोपैथिक की दवाओं से साइड इफ़ेक्ट से त्रस्त हो रहे हैं, सबका अब रुझान आयुर्वेद की ओर बढ़ रहा है। इसमें उन लोगों का भी बहुत योगदान है जो आयुर्वेद के सिद्धांतों का समय समय पर प्रचार करते रहे हैं। वे भारत में भी हैं, भारत के बाहर भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस पर अपने अपने ईमानदारी से, जिन्होंने शोध भी की और उन्होंने आगे इस तथ्य को रखे, जिनके मन में संपूर्ण मानव समुदाय के प्रति एक कल्याण की भावना थी। इसमें कई विदेशी वैज्ञानिक भी हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। सारे लोग मिलकर, चाहे वो भारत के हों, भारत के बाहर हों, लेकिन उन सब ने जिन्होंने भी इस दिशा में कार्य किया है, वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। अब वापस क्यों ये आवश्यकता हो रही है कि हम वेदों की ओर लौटें, जो हमारी पुरानी सभ्यता थी, पुरानी परंपराएं थी, अगर हम उन्हें एकदम नहीं स्वीकार कर सकते तो कम से कम उन पर शोध तो आरम्भ करें। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि बरसों से हमारे पास आउटकम्स थे, हमारी परंपराओं में वो सब चीज़ें शामिल थी जो एंड रिज़ल्ट आपको दे देती थी। अब गाय का दूध पीने से शक्ति आती है, मैंने पिया, मुझे शक्ति मिल गई, अब मैं उसमें क्यों ढूंढने जाऊं कि इसके अंदर फॉस्फोरस भी है, कैल्शियम भी है, फलाना है, ढिमका है, ऐसे अनगिनत पदार्थ होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट में कोई ये कह रहा है कि भाई ठीक है आप इस चीज़ को लेंगे तो आपको शरीर में ताकत आएगी, तो इसमें मानने में क्या गुरेज है? हमारी संस्कृति इसी विश्वास पर चली है। हमारी संस्कृति में क्वेश्चन करने की भी आज़ादी है और उसे परंपराओं के रूप में निभाने की भी आज़ादी है। यानी अगर किसी व्यक्ति को शोध करना है, कोई तर्क विश्लेषण करना है, तो उसको पूरी आज़ादी है, वह कर सकता है। और यदि कोई उसे परंपरा के रूप में अपनाए तो भी उसका कोई नुकसान नहीं है। उसका कारण सिर्फ यही है कि हमारी सभ्यता के मूल में है मानव सभ्यता का उत्थान, इस संपूर्ण सृष्टि का संरक्षण। वहीं पश्चिमी सभ्यता में ऐसा नहीं था। दुर्भाग्यवश जब उनकी वहाँ से सभ्यता स्टार्ट होती है, अगर हम 4,500-5,000 वर्ष देखें, तो आप देखेंगे कभी अगर आप ग्रीस की भी फोटोज़ देखें तो आप देखेंगे उनके जो देवी देवता होते हैं ना, उनके भी शरीर पे कपड़े नहीं होते। वो कारण क्या है? कोई भी व्यक्ति या कोई भी समाज अपने तत्कालीन जो भी समय होता है उसकी परिस्थितियों को ही चित्रित करता है। तो उस समय पर जो भी उनकी तत्कालीन परिस्थितियां रही होंगी, उन लोगों ने उसको वैसे ही चित्रण दिया। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है या कोई कमी नहीं है, लेकिन जैसी परिस्थिति थी वैसी उन्होंने दिखाई। लेकिन इस पर एक भारतीय होने के नाते आपको और हमें यह सोचना चाहिए कि हम लोगों की स्थिति उस समय पर क्या थी। हम लोगों का जो व्यापार था 4,500-5,000 वर्ष पहले, वो एक अनुमान के अनुसार पूरी दुनिया में 50% के लगभग था।
तो आप समझ सकते हैं कि हमारा देश कितना समृद्ध था, कितना एडवांस्ड था उस समय पर। अगर हम उनसे भी पहले से एग्जिस्ट करते आ रहे हैं तो, और हमारी चीज़ों में, हमारी संस्कृतियों में इतनी कमी है, हमारी सोच में कमी है, तो हमें इतने लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं करना चाहिए था, तो ये संभावना नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हो उल्टा रहा है। आज एडवांसमेंट के नाम पर, आज शिक्षित होने के नाम पर हम पहले से कहीं ज़्यादा दुखी हैं। हमारे पास हर सुविधा, सुख सुविधा है, संसाधन है, लेकिन एक खांसी तक का इलाज के लिए हमें डॉक्टर के पास भाग के जाना पड़ता है। उसका कारण क्या है कि हमें अपनी संस्कृति, अपनी जान पर अब भरोसा नहीं रहा। तो यही हुआ, इसका हमारे स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। आज की डेट में अगर आप देखें, 18,690 रुपये सालाना एक इंसान, एक भारतीय के ऊपर खर्च है। जिसके पास पैसा है वो तो अपनी दवाइयों का खर्च ले सकता है, लेकिन जिसके पास नहीं है उसकी आर्थिक कमर टूट के रह जाती है। वहीं पर अगर एक अमीर आदमी की बात करें, आपके पास कितना भी पैसा हो लेकिन दवाई खाने में किसी को भी मज़ा नहीं आता है। असली जीने का मज़ा तभी है जब आप लोग जब ऐसा जीवन जिए जिसमें बिना रोग के स्वस्थ रहते हुए, अपने शरीर के सारे अंग प्रत्यंग पुष्ट रहते हुए 100 वर्ष की आयु को टच करें। यह एक मानव जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, एक उसकी एक पैरामीटर है ये, जो भारतीय संस्कृति में करोड़ों वर्षों से फॉलो किया जाता रहा है। तो हमारी जो सोच रही है वह यही है कि आउटकम के बेसिस पे हो, और कुछ भी ऐसा हम मूर्खतापूर्ण ना करें जिससे कि हमें आगे चल के दूरगामी कुछ दुष्परिणाम भोगने पड़े। जैसा कि अब टाइट जीन्स जो लोग पहन के चलते हैं, उनकी कमर के नीचे का जो हिस्सा है उसमें खून का बहाव कम हो जाता है, ये रुक जाता है। इससे वेरिकोज वेंस की भी प्रॉब्लम हो सकती है, और भी कई तरह की बीमारियां होती हैं जिसमें स्ट्रेस भी शामिल है। अब आप ये देखिए कि दिखने में फैशन का काम तो हो गया, लेकिन उसके बाद जो दुष्परिणाम है वो भी आप ही को झेलने हैं। भारत एक गर्म जलवायु का देश होने के कारण आप देखेंगे कि यहाँ पर एक प्रचलन रहा है कि हम ढीले ढाले वस्त्र पहनते हैं, जिसमें कॉटन का, सूत का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। इसका कारण यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो गर्मी पड़ती है उसमें पसीने काफ़ी आते हैं। पसीने को सोखने के लिए सूत बहुत अच्छा एक कपड़ा है। उसके अलावा जो उसके अंदर हवा का आवागमन होता है उससे ठंडक मिलती है, हमारे जो स्किन सेल्स हैं वो डैमेज नहीं होते। देखने में तो ये ऐसा लगेगा कि कितना ऑकवर्ड है, अनफैशनेबल है, देखिए अच्छा नहीं लग रहा, लोग क्या कहेंगे, लेकिन हमारी जो सोच है, भारतीय सोच है, वो ये कहती है कि दिखने में मैं कुछ भी लग रहा हूँ, नित्य इस संसार में कुछ नहीं है। आज जो पैदा हुआ है वो जवान होगा, जवान कल को बूढ़ा होगा। जैसे आपने अपनी जवानी को स्वीकार किया है, वैसे एक दिन बुढ़ापे को भी स्वीकार करना पड़ेगा, और अपनी सीमाओं का रिस्पेक्ट करते हुए जीना ही हमारी सभ्यता सिखाती है। इसीलिए वास्तव में हमारा दर्शन ही एक संस्कृति कहलाती है। संस्कृति यानी जो संस्कार देती है, संस्कार बुद्धि से आता है और बुद्धि हमेशा आउटकम की बात करती है। तो हम लोग चाहे जैसे भी दिखते हैं, सिर पे जो लोग तेल लगाने से बचते हैं उन्हें लगता है अरे बाहर जाएंगे कैसे लगेंगे, तो ये जो शोर शराबा और मूर्खतापूर्ण जो एक नज़रिया हमें वेस्ट से मिला है उसमें हो क्या रहा है, जो उनको दुष्परिणाम वे सालों से झेल रहे हैं, अब हमने वो उन्होंने उनसे एक्सचेंज कर लिए हैं। अब वो लोग तो धीरे धीरे हमारी सभ्यता पर रिसर्च करना उन्होंने शुरू कर दिया है और अब आउटकम्स की ओर वो बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग उनका और ज़्यादा अनुकरण करते जा रहे हैं। उससे हो क्या रहा है कि हमारे देश के अंदर चैलेंजेस जो हैं वो पहले से कम नहीं हो रहे और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। देखिए, अगर कहीं पर भी कुछ भी उल्टा सीधा कोई करता है देश, संस्कृति, सभ्यता, वो तब भी मैनेज हो सकता है अगर वहाँ पर जनसंख्या रिसोर्सेज के अनुसार कम है। भारत के अंदर उल्टा है, रिसोर्सेज तो बहुत है लेकिन उसके अनुसार जो जनता है वो बहुत बहुत है, और हमारी जो जनसंख्या जिस तरह से बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, तो ये जो परेशानियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, या ये हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली है। कोई कहता है हम गर्मी बहुत हो गई है एसी लगा लो, तो ये टेम्प्रेरी सॉल्यूशन है, परमानेंट नहीं है, क्योंकि एसी और इन सब चीज़ों से जो क्लाइमेट में चेंज हो रहा है उसका दंश भी हम ही झेल रहे हैं। आप देख रहे होंगे टीवी पर भारत में जगह जगह पर बाढ़ आ रही है। एक चीज़ आपने अगर नोट की हो, इन सभी जगहों पर जहाँ पर बाढ़ का सबसे ज़बरदस्त प्रकोप है, ये वो हैं जो हरे भरे क्षेत्र हैं। अब इसका समाधान क्या है? समाधान बड़ा सिंपल है। देखिए, आप लाइफ में कोई भी काम करते हैं उसके पीछे बस उसके आउटकम का विचार कर लीजिए। आप जो भी करने जा रहे हैं, आपके दिमाग में सबसे पहली प्रायोरिटी आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए। हमारे गोल शिफ्ट हो जाते हैं जब हम ये देखते हैं कि हमारी जो अभी जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल टेम्प्रेरी है। हम टेम्प्रेरी चीज़ों पर इतना ज़्यादा फोकस करते हैं कि परमानेंट चीज़ों को भूल जाते हैं, और हम ये भी भूल जाते हैं कि देर सवेर हमें इन्हीं परमानेंट चीज़ों से सामना करना पड़ेगा। अब मैं स्वास्थ्य की बात करता हूँ, जैसे स्वास्थ्य को ले लें, स्वास्थ्य में आप कुछ भी खाते हैं
तो आपको लगता है कि हाँ ये मुझे अच्छा लगता है, मुझे खाना चाहिए, ये मैं पसंद नहीं करता, मैं नहीं खाना चाहिए, ये हमारे पैरामीटर्स बन चुके हैं खाने और ना खाने के। लेकिन हमें ऐसा सोचना चाहिए कि अगर मैं कोई चीज़ खा रहा हूँ या मैं पहन रहा हूँ, क्या ये मुझे स्वास्थ्य की दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से अंत में इसका फल अच्छा निकलेगा। हो सकता है उसको मैं एकदम एक्सेप्ट ना करूँ, हो सकता है कि वो मुझे अभी थोड़ा सा कष्ट दे, लेकिन उसका एंड रिज़ल्ट अच्छा है। अगर उसका एंड रिज़ल्ट अच्छा है तो वह जरूर करने योग्य काम है। गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि तीन तरह के गुण होते हैं, सत्व गुण, रज गुण और तम गुण, ये भी एक दूसरे को ओवर डोमिनेट करके आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप किसी अच्छी चीज़ के लिए कोई पहल करते हैं और हो सकता है आपको अपने मन के अगेंस्ट उसे करना पड़े, लेकिन इस चीज़ को देखते हुए कि ये कल को मुझे अच्छा रिज़ल्ट देगा, तो वह चीज़ एक सात्विक प्रवृत्ति को दर्शाती है और उसको डोमिनेट करना ही चाहिए। अगर बुराई डोमिनेट करेगी अच्छाई को तो उसका असर सभी पर पड़ेगा, उसी तरह अगर अच्छाई डोमिनेट करेगी बुराई को तो भी उसका असर सभी पर पड़ेगा। अगर आप महिला हैं, आप घर में, आपके ऊपर दायित्व है घर में खान पान का, तो आप सोच के देखिए अगर आप कुछ ऐसा बना रहे हैं या ऐसा कुछ दे रहे हैं, ऐसी कुछ हैबिट्स अपना रहे हैं जिससे कि आपके परिवार का स्वास्थ्य बढ़े, तो क्या उसका बेनिफिट सबके साथ साथ आपको नहीं होगा? ज़रूर होगा। और इसी के उल्टे अगर आप बिना सोचे समझे कुछ भी बना रहे हैं जीभ को देखते हुए, तो उसका भी तो असर सभी पर होगा। तो इस चिंतन के साथ, इस अवेयरनेस, इस कॉन्शियसनेस के साथ आप जो भी कार्य करें उसमें इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। अपनी परंपराओं को अधिक से अधिक जानने की कोशिश करें। हम इस चैनल के माध्यम से भी हमारी कोशिश है कि हम आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य, ऐसे कुछ फैक्ट्स, ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस लेकर आएँ जिससे आपको हमारी भारतीय सभ्यता के जो मूल परंपराएं हैं उनका जो दर्शन है उसके दर्शन आपको हो सकें। तो आपका कोई भी कमेंट हो, आपका कोई भी सुझाव हो, तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस पूरी वीडियो के विषय में आपके क्या विचार रहे वो आप ज़रूर हमसे शेयर कीजिए। इस पूरी वीडियो को आपने जो समय दिया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपसे बहुत ही जल्द मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।